हाई एवरी वन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। जो वैकेंसी निकाला गया है, इस कंपनी के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा और ड्रीम रहता है कि माइनिंग सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर में लगे तो इनमें से कोई कंपनी में लगे। जो कंपनी का नाम है वो है अडानी ग्रुप, और अडानी ग्रुप के द्वारा वैकेंसी निकाला जाता है डिफरेंट माइंस के लिए, क्योंकि बहुत सारा खुद का माइंस रखी हुए है, बहुत जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती है, बहुत जगह पे एमडीयू कल्चर पे काम करती है। तो अडानी ग्रुप में बहुत वैकेंसीज आती है, जैसे माइन फॉरमैन का आता है, असिस्टेंट माइन मैनेजर का आता है, सेकंड क्लास वालों का, फर्स्ट क्लास वालों का, और लोगों को पता नहीं हो पाता है। आजकल तो खैर अलर्ट रहने लगे हैं मेरी वीडियो देख के, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो देख के आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है जो आपके काम का हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इससे एक मोटिवेशन आता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जिंदल कह रहा हूँ, सॉरी, अडानी के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है डिफरेंट पोस्ट का, जिसमें से कौन कौन से पोस्ट मैं पहले बता देता हूँ, फिर कैसे अप्लाई करें बताता हूँ। माइन मैनेजर माइन का, जो कि सिलीगुड़ी मध्य प्रदेश लोकेशन है आपका। असिस्टेंट मैनेजर माइन ऑपरेशन का। इसके बाद ओवरमैन का भी वैकेंसी निकला हुआ है, ओवरमैन सीनियर असिस्टेंट ओवरमैन का निकला हुआ है। अलग अलग लोकेशन, मतलब लोकेशन एक ही है बट निकला हुआ है इसका, ठीक है। इसके बाद सीनियर असिस्टेंट ओवरमैन का निकला हुआ है, तो माइनिंग सेक्टर की अच्छी खासी वैकेंसी, ओवरमैन का अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। सीनियर मैनेजर ओवरमैन का निकला हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं बार बार आपको दिख रहा होगा ये चीज, तो आपको कोशिश कीजिएगा सब में अप्लाई मार देगा। फिर ओवरमैन यहाँ पे दिख रहा है नागपुर लोकेशन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद बाकी माइनिंग सेक्टर का और शायद वैकेंसी नहीं है। ओके, चलिए एक ही करके सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे कैसे, तो इसके लिए ब्राउजर ओपन करें। यहाँ पे आपको लिखना है अडानी कैरियर, अडानी कैरियर लिख के आप सर्च करेंगे, पहला नंबर पे आएगा अडानी कैरियर साइट कैरियर, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना है, साइट खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके बाद जब साइट खुल जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे फाइंड जॉब्स में जाके माइनिंग सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इंटर करना है, माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी वो सभी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब एक ही करके हम जॉब को देख लेते हैं, इसे मैनेजर माइन ऑपरेशन को क्लिक करके देखते हैं कि क्या मांग रहा है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन में बोला गया है कि बी या बीटेक होना चाहिए माइनिंग में, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। गोल का आपका डिजायर यहाँ लिखा हुआ है कि डिजायर्ड है गोल का फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10 से 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अडानी का एक खास बात बोले, खराब बात बोले, जो भी आपको लगे, इससे कम एक्सपीरियंस वाला का एप्लीकेशन को देखेगा भी नहीं। मतलब जिसका 10 है, 10 से नीचे है, उसको तो सीन भी नहीं करेगा, 10 से ऊपर वाले को देखेगा, 20 वाले तक शॉर्टलिस्ट करके बुलाएगा। तो अडानी क्या करती है ना, अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 100 लोग में मात्र 10 लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करती है इंटरव्यू के लिए या इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये आपका एक समझिए कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग बात है। तो आपको कुछ ऐसा प्रेजेंट करना अपने आप को, अप्लाई जब करेंगे तो फॉर्म भरने के बाद जब रिज्यूम अपलोड करते हैं तो कुछ ऐसा करना है आपको कि आपके लिए वो बहुत काम का हो जाए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कोई भी वैकेंसी में क्लिक करेंगे, अप्लाई में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रॉपरली जो फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये आपको फॉर्म पूरा पूरी कंप्लीट करना है। और कंप्लीट करने के बाद रिज्यूमे और कवर लेटर ये दोनों अपलोड करना है, ठीक है। तो जब भी आप रिज्यूम अपलोड करेंगे और कवर लेटर अपलोड करेंगे तो बहुत ही सोच समझ के अपलोड करेंगे, क्योंकि ये रिज्यूम ही देखती है, कवर लेटर ही देखती है, ठीक है। यूट्यूब में देखिएगा, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको। तो रिज्यूम और कवर लेटर अपलोड करेंगे तो सोच के करेंगे, ठीक, क्योंकि इसी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करता है। बहुत लोग कहते हैं अडानी मैसेज नहीं करता है, कुछ नहीं, फोन नहीं होता, मैं 50 बार अप्लाई कर चुका, तो वो किस्मत भी है। और आपका रिज्यूम और कवर लेटर में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि वो देखे एक बार तो कम से कम शॉर्टलिस्ट करे। असिस्टेंट मैनेजर माइन ऑपरेशन का भी है सेम क्वालिफिकेशन। ओवरमैन माइन ऑपरेशन में क्लिक करके देखता हूँ कि ओवरमैन के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लिख दिया गया है यहाँ पे, ओवरमैन का जो काम है वही है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, वो मांगा गया है डिप्लोमा इन माइनिंग या फिर कोई भी ब्रांच इंजीनियरिंग जिसमें ओवरमैन सर्टिफिकेट मिले। मतलब समझिए डिप्लोमा इन माइन एंड माइन माइन सर्वेइंग ऐसा करके जो होता है, ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और एक्सपीरियंस बोला गया है 1 से 5 साल। ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है, मतलब ओवरमैन के बाद का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अब 1 से 5 साल लिखा गया है, तो आपको अगर 1 साल है तब भी अच्छा है, 2 साल है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अट्रैक्टिव रखेगा। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हो तो अपना रिज्यूम और कवर लेटर ऐसा बनाना है आपको कि उसमें बहुत कुछ दिखे, बहुत कुछ लगे, ठीक है, ताकि आपका शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हो। लेकिन अगर 2 साल 5 साल का है तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तब तो आपका सिंपल भी रहेगा,
तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अप्लाई नाउ में क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे, मैंने दिखाया अभी आप, ठीक है। चलिए अगला वैकेंसी पे आते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे फिर से आपको शॉर्ट सर्च करना पड़ेगा आप इसका ये। इसके बाद यहाँ सीनियर असिस्टेंट गवर्नमेंट करके निकला हुआ, ये अंबिकापुर लोकेशन है, अंबिकापुर लोकेशन है, मैनेजर वाला सिल्लोरी लोकेशन था, ठीक है। अंबिकापुर में क्लिक करेंगे जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो उसको क्लिक करके हम लोग चले देखते हैं। इसमें जो मांगा गया असिस्टेंट के लिए, इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कलर ब्रांड नहीं होना चाहिए, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। अब यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब कुल मिला करके गवर्नमेंट पोस्ट ही रहेगा, बट आपका लिखा रहेगा सीनियर असिस्टेंट, ठीक है। तो इसका भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसको भी अप्लाई करने के लिए आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, अप्लाई लाइन नाउ पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म भरेंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ ओवरमैन सिर्फ पोस्ट लिखा हुआ है, तो ओवरमैन नागपुर लोकेशन के लिए जो पोस्ट होगा प्रॉपर ओवरमैन का होगा, और यहाँ पे आपका डिप्लोमा के साथ साथ ओवरमैन सर्टिफिकेट मांगना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, मतलब ओवरमैन के बाद का एक्सपीरियंस, जिसमें से कम 2 साल का एक्सपीरियंस अंडरग्राउंड कोल माइनिंग में होना चाहिए। अब ये जो इलिजिबिलिटी रखा है, इस इलिजिबिलिटी को जो भी पूरा करेंगे उनको बहुत चांसेस है 2 साल का आपका अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खासकर कोल माइनिंग का। इसके बाद आपका अगर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है कहीं ओपन कास्ट में, कहीं कहीं पर भी, तो आपका बहुत ज्यादा चांस होता है। तो ऐसे लोग तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, ओके। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो ये ओवरमैन वाला में भी जाके नीचे अप्लाई नाउ में क्लिक करके आपको अप्लाई करना है, ओके। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आगे, अगला वैकेंसी। ओवरमैन के बाद यहाँ पे देखिएगा, ओवरमैन 2 बार है, तो कोशिश कीजिएगा सब में अपलोड करने का, ठीक है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि ये पहले अपलोड किया गया है, ये बाद में, ये सीनियर ओवरमैन असिस्टेंट का है, ये नागपुर वाला लोकेशन का है, ये देखिए 26 तारीख को किया गया, ये 30 तारीख को किया गया, ठीक है। तो आपको दोनों को अप्लाई करना है, दोनों में सेम क्वालिफिकेशन वगैरह आपको दिखेगा, लेकिन दोनों को अप्लाई करना है, ओके। चलिए तो ये छोटा सा अपडेट आई होप आपके लिए काम का होगा। अगर आप माइनिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि एनटीपीसी का तैयारी करें, या कोल इंडिया की तैयारी करें, माइनिंग सरदार का, ओवरमैन का प्रिपरेशन करें, या सेकंड क्लास मैनेजर कोल के लिए डीजीएमएस एग्जाम का तैयारी करें, तो आप इसके लिए हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी क्लासेस चल रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी डालता हूँ मैं, ईएमटी से लेके प्लेसलेशन से लेके सब पढ़ाया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। टेक्निकल में पढ़ाऊंगा, नॉन टेक्निकल भी पढ़ा दूंगा। इसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना हो तो 6200670155, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कॉल करना, सॉरी कॉल कह रहा हूँ, मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। थोड़ा नौकरी चाकरी वाला आदमी है, गरीब आदमी है, तो आपका कॉल हो सकता है मैं ना उठा पाऊँ, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, उसका मैं जरूर रिस्पॉन्ड करूँ। क्लासेस ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक क्लिक की वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल दैट जय हिंद।